80% सामाजिक हित और 20% राजनीति के विचार पर विश्वास करने वाली शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी की ओर से एक भव्य रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। 18 अगस्त 2024 को दोपहर 3 बजे जगनाड़ी चौक के होटल रेजेंटा में एक दिवसीय भव्य रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। रोजगार मेले में मुख्य अतिथि के रूप में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे सांसद संजय राउत उपस्थित रहेंगे। साथ ही शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के नेता विधायक भास्कर जाधव विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान प्रमोद मानमुड़े इनके द्वारा दी गई। नागपुर शहर के छात्र छात्राएं एवं युवाओं को रोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध कराने के लिए पहली बार नागपुर में भव्य रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। इससे नागपुर के युवाओं को एक ही छत के नीचे रोजगार और कौशल विकास के अवसर मिलेंगे। इस रोजगार मेले के माध्यम से नागपुर के आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इस एक दिवसीय कार्यक्रम में टाटा स्ट्राइप, एक्सिस बैंक, LIC ऑफ इंडिया, पेटीएम, SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ साथ बजाज ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड सहित विभिन्न क्षेत्रों की लगभग 30 कंपनियां भाग लेंगी। इसमें बैंकिंग, बीमा, खुदरा, कपड़ा और अन्य क्षेत्रों की कंपनियों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। 80% समाजकारण आणि 20% राजकारण या दृष्टीने आम्ही 18 तारखेला रोजगार मेळावा आणि गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार करत आहोत। यासाठी अध्यक्ष म्हणून संजय राऊत साहेब येणार आहेत आणि कार्यक्रमाला प्रमुख उपस्थिती भास्करराव जाधव साहेब येणार आहेत, शिवसेनेचे नेते। त्याच्यामध्ये बावीस कंपन्या सहभाग घेणार आहेत। 11 वाजेपासून तर 3 वाजेपर्यंत इंटरव्ह्यू होणार आहेत आणि सिलेक्ट झालेल्या लोकांना तिथल्या तिथेच नियुक्तीपत्र पण देणार आहेत। त्यामध्ये निर्मल बँकेचा सहभाग राहणार आहे, निर्मल टेक्सटाईलचा राहणार आहे, निर्मल उज्ज्वल क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचा पण राहणार आहे। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के सांसद और विशेष अतिथि के तौर पर विधायक भास्कर जाधव मौजूद रहेंगे। 10वीं और 12वीं की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 50 से अधिक मेधावी विद्यार्थियों को मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया जाएगा। साथ ही भावी छात्रों को उनके समस्याओं के समाधान के लिए साइकिल और मोबाइल फोन भी दिए जाएंगे। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के नागपुर महानगर प्रमुख प्रमोद मानमुड़े इन्होंने इस आयोजन का उद्देश्य बताते हुए कहा कि विदर्भ के युवाओं में अपार क्षमता, कल्पनाशीलता और रचनात्मकता की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। उनकी उच्च आकांक्षा है और उन्हें रणनीति, कौशल और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने का अवसर चाहिए। नागपुर के लोगों को शिक्षा, रोजगार और सामाजिक विकास के अवसर प्रदान कर हम जीवन स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं। साथ ही ये भी माना जा रहा है कि बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों द्वारा एक ही छत के नीचे आयोजित यह जॉब फेयर नागपुर शहर के युवाओं के लिए जीवन बदलने वाला होगा। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।